हे गाइस, क्या आपको पता है ऑल्ट के अंदर कौन सा मोबाइल है जिसमें सबसे ज़्यादा एमएस वाला बैटरी है, और कौन सा मोबाइल है, उस मोबाइल का नाम क्या है, और भी फोर ऐसे मोबाइल के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में जानने के बाद आपको होगी क्या बात है। आप इस वीडियो को बिना किसी स्पॉइलर के एंड तक देखते रहिए, आपको आसान तरीके से समझ आ जाएगा कि कौन कौन सा मोबाइल है जिसमें सबसे ज़्यादा एमएस वाला बैटरी है और नंबर वन पे कौन सा मोबाइल है। हेलो गाइस, मेरा नाम है दरबेश। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल बाला बाला टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस चैनल में नो ड्रामा नो फेक और लाइव प्रूफ टेक वीडियो मिलता है, इसीलिए अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इस तरह वीडियो पाने के लिए। तो चलिए एक एक करके आपको बता दिया कौन सा मोबाइल में सबसे ज़्यादा एमएस वाला बैटरी है और एक नंबर पे कौन सा मोबाइल है जिसमें सबसे ज़्यादा एमएस वाला बैटरी है। तो नंबर फोर पे है यूलीफोन की पावर आर्मर 13। इस मोबाइल में आपको 13,200 एमएस वाला बैटरी देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, 13,200 एमएस वाला बैटरी है। इस मोबाइल में अगर आप एक बार चार्ज करते तो एक बार चार्ज करने का, अगर आप गेमर हो नॉन स्टॉप आप 3 से 4 दिन आप गेम प्ले कर पाओगे एक बार चार्ज करके। अगर आप नॉर्मल यूजर है तो आप 10 से 11 दिन आप आसानी से यूज कर पाओगे, आप नॉर्मल यूजर है तो एक बार चार्ज करके। ठीक है समरिया। इस मोबाइल में आपको 33 वाट की फास्ट चार्जर और 15 वाट की वायरलेस चार्जर भी सर आपको सपोर्ट को देखने को मिलता है। नंबर थ्री में है एनर्जाइजर पावर मैक्स P18 के पॉप। इस मोबाइल में आपको 18,000 एमएच वाला बैटरी देखने को मिलता है। यार मानना पड़ेगा क्योंकि है। इस मोबाइल को देखने के बाद मुझे लगा कि एक बड़ा सा पावर बैंक के ऊपर डिस्प्ले लगा दिया। नंबर टू में है यूकिटेल WP19। इस मोबाइल में आपको 21,000 एमएच वाला बैटरी देखने को मिलता है। यार जी हाँ दोस्त, आप बिल्कुल सही सुना, 21,000 एमएच वाला बैटरी। मजाक है क्या? असंभव नहीं किरी भाई, संभव है। अगर आप एक बार चार्ज कर लेते इस मोबाइल को, आप अगर आप गेमर है तो नॉन स्टॉप आप 10 डेज तक आप गेम प्ले कर पाओगे इस मोबाइल से। ठीक है, अगर आप नॉर्मल यूजर है तो आप एक मंथ तक आप चला सकते इस मोबाइल को एक बार चार्ज करके। इस मोबाइल में आपको 8 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज देखने को मिलता है, जो कि आपको गेमर के लिए बहुत अच्छा मोबाइल है ये मोबाइल, क्योंकि इस मोबाइल में जो प्रोसेसर दिया है ना, कमाल कर दिया इस मोबाइल ने, इतना अच्छा प्रोसेसर दिया, मीडियाटेक हीलियो G95 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया है। डिस्प्ले की बात करें तो इस मोबाइल में आपको 6.78 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है इस मोबाइल में। वीडियो देख सकती है आप, बहुत अच्छा क्वालिटी में देख सकती है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं, समझ रहे हो? Anyway. नंबर वन में है सैमसंग गैलेक्सी M51। इस मोबाइल में आपको 7,000 एमएच वाला बैटरी देखने को मिलता है। यूकिटेल PW19, इसको मैं क्यों नंबर वन में नहीं रखा? सैमसंग गैलेक्सी M51, इसको मैं क्यों नंबर वन में रखा? यूकिटेल WP19 को आप बाय नहीं कर सकते, आप ये सैमसंग गैलेक्सी M51 को आप बाय कर सकते है, इसीलिए मैं नंबर वन पे रखा सैमसंग गैलेक्सी M51 को। ठीक है, मगर क्यों? ये जो तीन मोबाइल की बात किया हूँ मैं, एनर्जाइजर, यूकिटेल, यूलीफोन, इस तीनों कंपनी चाइना कंपनी, इसलिए ये सारे मोबाइल को आप बाय नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के खिलाफ है। चाइनीज स्मार्टफोन आप बाय नहीं कर सकते, कई सारे प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकते, इसमें स्मार्टफोन भी है। अच्छा ठीक है, तो ऑल्ट के अंदर नंबर वन पर है यूकिटेल WP19। इस मोबाइल में 21,000 एमएच बैटरी देखने को मिलता है, इसीलिए इसको ऑल्ट के अंदर नंबर वन मोबाइल है जिसमें सबसे ज़्यादा एमएच वाला बैटरी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का सर, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। सो प्लीज सब सारा खबर। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए यार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।